Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the subnet mask. Concept of subnet mask, क्या होता है network के अंदर subnet mask, कैसे हम find out करते हैं. हमने बहुत हम जब एक properties में जाते हैं system के network की, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास एक IP address रहता है, नीचे यहाँ पर subnet mask भी रहता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसकी वैल्यूज भी लिखी रहती है. तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कन्फ्यूज होते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप से लिखी है, तो वो कैसे निकल के आती हैं, क्या उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, कैसे हम समझेंगे कि वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सबनेट मास्क क्या होता है और इसको हम कैसे निकालेंगे, किसी एक आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क कैसे पहचानेंगे और निकालेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सबनेट मास्क की. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सबनेट मास्क होता क्या है. तो सबनेट मास्क इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द नेटवर्क बाय डिवाइडिंग द आईपी एड्रेस इनटू द टू पार्ट्स में नेटवर्क के उसको डिवाइड करता है. पहला है नेटवर्क आईडी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, एंड देन होस्ट आईडी एंड होस्ट एड्रेस. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सबनेट मास्क. कैसे हम एक नेटवर्क का सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम एक आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकालेंगे. तो आज हम सीखने वाले हैं कि आईपी एड्रेस गिवन रहेगा और उसका सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे. इसकी जो साइज रहती है वो 32 बिट साइज रहती है. तो आप इसको कन्फ्यूज नहीं होना. तो आपको सबनेट मास्क समझने से पहले, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कुछ टर्मिनोलॉजी से जो आपको मालूम होना चाहिए. तो पहली टर्मिनोलॉजी है आईपी वर्जन 4 एड्रेस की क्लास रेंज. कि आईपी आपको, अगर आपने ये सब तीन चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है सबनेट मास्क समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो अभी तक अगर आपने ये तीन चीज़ अगर आप फेमिलियर नहीं है, तो आप वो सबसे पहले वीडियो देखिए. मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए, सजेशन है कि आप पहले ये तीनों वीडियो देखें, जिससे आपको ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. सेकेंड, कि अगर कोई एक क्लास है, कोई एक क्लास ही टाइप का है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने होस्ट आईडी होंगे, कितने नेटवर्क आईडी होंगे. तो दैट इज़ द दैट कम्स अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास. सेकेंड, बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके देखें कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ों की मदद से, तीन चीज़ें कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक आज सबनेट मास्क निकालने वाले. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक गिवन है आईपी एड्रेस 117.20.10.50. एक मेरे पास आईपी एड्रेस गिवन है. अब मुझे क्या करना है, इस आईपी एड्रेस का मुझे सबनेट मास्क निकालना है. तो मैं कैसे इसका सबनेट मास्क निकालूंगा, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द क्वेश्चन, कि कैसे हम इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का एक सबनेट मास्क निकालेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा, तीन स्टेप के अंदर आप निकालना सीख जाएंगे कि कैसे किसी एक आईपी एड्रेस का हम एक सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1. सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि ए आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है, मींस आईपी वर्जन 4 की किस क्लास रेंज में आता है. तो मैंने आपको बताया हुआ था कि क्लास रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो सबसे पहला जो ऑक्टेट होता है किसी भी आईपी एड्रेस का, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, इसको हम देखते हैं और इसको मैच करते हैं कि आईपी वर्जन 4 की 4 क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी एंड डी एंड ई, ये 5 क्लासेस है. इनमें से किस रेंज में ये आईपी एड्रेस आ रहा है. तो 117 जो आ रहा है वो उसका मीनिंग है क्लास ए टाइप का है. सो दैट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू द क्लास ए टाइप. तो पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि क्लास ए टाइप का ये आईपी एड्रेस है. सेकेंड स्टेप है स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है कि मुझे मालूम होना चाहिए अगर ये क्लास ए टाइप का है, तो क्लास ए टाइप का कितने इसमें नेटवर्क का आईडी होना चाहिए, कितने होस्ट आईडी होना चाहिए. तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसका मुझे स्ट्रक्चर मालूम है. क्लास ए टाइप में पहला जो ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क आईडी होता है, बाकी सारे होस्ट आईडी. इसकी जो लेंथ होती है टोटल 32 बिट होती है. वो कैसे होती है, हर एक ऑक्टेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड देन फोर्थ ऑक्टेट.
सभी की जो साइज होगी वो 8 बिट लेंथ है, 8 बिट और टोटल है 32 बिट आई लेंथ है इस पूरे आईपी एड्रेस की लेंथ जो है वो 32 बिट है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको बताया था कि जब भी ये हमारे पास नेटवर्क होस्ट आईडी इस टाइप का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट स्टेप, आप थर्ड स्टेप में ले लीजिए इसको, रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी मींस एन, एन मींस नेटवर्क आईडी और एच मींस होस्ट आईडी, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, वन से करते हैं और इसको करते हैं हम जीरो से। तो ये हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। अब हम देखते हैं क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो आईपी एड्रेस गिवन है उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, मुझे मालूम है कि मुझे क्या रिप्लेस करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है, इसको वन से करना है और इसको जीरो से। तो स्ट्रक्चर हमारा ये है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। अब इस आईपी एड्रेस को इसके नीचे डिफाइन कर लेते हैं, 117 फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट 20, थर्ड ऑक्टेट 10 एंड देन लास्ट ऑक्टेट इज द 50। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नेटवर्क आईडी को वन से और बाकी सभी को जीरो से। तो मुझे मालूम है तो मैं इसको क्या करूँगा, 1000। लेकिन अभी हमारे पास ये आंसर नहीं आया, अब मुझको क्या करना है, इसकी जो साइज है वो मैंने आपको बताई थी कि 8 बिट लेंथ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 बिट लेंथ की साइज लिखना पड़ेगा 00 और 11। देन तो ये मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, एक बाइनरी के फॉर्म में लिख लिया है, मीन्स हमने इसको क्या किया है, 8 बिट लेंथ को 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में ब्रेक कर लिया, उसको राइट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्थ, इसको क्या करना है, स्टेप फोर में कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो ये जो वैल्यू है इनको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप बाइनरी टू डेसिमल का जब भी हमारा वो वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपकी जो वैल्यू आएगी इस पूरी वैल्यू इस रेंज की वो आएगी आपको 255.0, इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, इसकी भी जीरो एंड देन जीरो। तो दैट विल बी द आंसर, दैट इज द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क हमारा ये होने वाला है, सो दैट इज़ द आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या देखा है, आपको फिर से मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि कैसे मुझे एक आईपी एक एड्रेस गिवन था, मुझे इसका सबनेट मास्क निकालना, तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि किस क्लास से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस, तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि क्लास ए टाइप का है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे हम क्लास को फाइंड आउट करते हैं। फिर इस क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है कि एक नेटवर्क पार्ट है, बाकी तीन पार्ट होस्ट पार्ट है। अब इस नेटवर्क पार्ट को 0 और 1 असाइन करेंगे 8 बिट के फॉर्म में, तो यहाँ पर 0 और 1 के फॉर्म में हमने इसको कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएंगी वो हमारा सबनेट मास्क हो गया। तो ये हमारी कुछ स्टेप्स में आपको मैंने निकालना बताया कि कोई भी आप आईपी एड्रेस आपको गिवन हो आप विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हैं कि कैसे हम इसका निकालेंगे आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क। और आपके लिए मैं फॉर रेफरेंस मैं आपकी तरफ से एक सीधा, अगर आपको डायरेक्टली एक एक्सपर्ट बनना है तो सीधा मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ कि जितने भी सबनेट मास्क है वो फिक्स हैं। वो कैसे हैं, तो क्लास ए, ए क्लास किस टाइप का आईपी एड्रेस था, क्लास ए, क्लास ए, इसका जो सबनेट मास्क होगा तो फर्स्ट ऑक्टेट उसके जो नेटवर्क का पार्ट होता है, यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इससे फाइंड आउट कर पाएंगे नेटवर्क होस्ट, होस्ट एंड देन नेटवर्क।
तो क्लास ए टाइप का अगर आईपी एड्रेस है तो आप उसको आंख बंद करके आपको कुछ नहीं सोचना है, 255 फर्स्ट ऑक्टेट में जहां पर आपको एन वैल्यू मिले वहां 255 कर दीजिए, बाकी सारे जीरो। दैट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए टाइप। सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए टाइप। क्लास बी, इसका स्ट्रक्चर मुझे मालूम है, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है चलिए बताइए आप लोग। तो पहला है नेटवर्क आईडी, सेकंड भी नेटवर्क आईडी, देन दो पार्ट होस्ट आईडी। तो इसमें हमको क्या करना है, जहां पर एन पार्ट है नेटवर्क पार्ट, वहां पर हमको क्या लिखना है, 255। तो यहां हम लिख देते हैं 255, देन होस्ट पार्ट के लिए जीरो। देन क्लास सी, क्लास सी का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड, क्लास सी का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर एक वैल्यू नेटवर्क की और बढ़ जाती, तो फर्स्ट पार्ट नेटवर्क, सेकंड पार्ट भी नेटवर्क, थर्ड पार्ट भी नेटवर्क, देन लास्ट पार्ट जो होता है वो होस्ट पार्ट होता है क्लास सी टाइप में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क के हमें मालूम है कि नेटवर्क की जगह क्या लिखते हैं, 255 एंड देन होस्ट पार्ट के लिए जीरो। सो दैट इज़ द सबनेट मास्क। अब आप जब भी किसी एक क्लास का सीधे कभी भी आप अपना सिस्टम ओपन करेंगे, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाएंगे IPv4, और वहाँ पर जहाँ पर आपका आईपी एड्रेस गिवन होगा आप वहाँ पर वैल्यूज देखेंगे, आपको को शायद कुछ ऐसी वैल्यूज मिलने वाली हैं। आप जिस नेटवर्क में बैठोगे आपको ये तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू नज़र आएगी, आपको दिखेगी आपके सिस्टम में, तो आप पहचान पाएंगे कि अगर इस टाइप का है तो क्लास ए टाइप। तो आप इससे जस्ट रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर मुझे ये गिवन है किस टाइप का क्लास से आप किस टाइप के नेटवर्क से जुड़े हैं, क्लास ए टाइप। अगर ए वाला आपका सबनेट मास्क है तब किस टाइप का क्लास नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, क्लास बी एंड देन ए क्लास सी। तो ये कुछ ही स्टेप्स में मैंने आपको निकालना था कैसे हम पहचानेंगे कि क्लास कौन सी क्लास का क्या आईपी एड्रेस है, किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।